ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली 25/10/2020 पुनरावृत्ति 9/4/86 आज मुरली सारांश सच्चा सेवाधारी लक्षण। ओम शांति। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा निजर धरापृष्ठर तारामंडल समस्त तारका मानू देखुंट चमकुवा तारा मान निजर चमक बा आलोक सारा दुनिया को प्रदान करमती तो भिन्न भिन्न प्रकार तारा मान अच्छा कई कई विशेष ज्ञान तारका अटंती कई कई सहज जोगी तारका अटंती आउ कई गुणवान मूरत तारका अटंती कहीं कहीं निरंतर सेवाधारी तारका अटंती तो आउ कहीं सदा संपन्न रहुथिबा तारका अटंती किंतु सबुठारु श्रेष्ठ हेले प्रति मुहूर्त रे सफलता प्राप्त करुथिबा तारका माने सेमानंक सहित कहीं कहीं केवल आशा रखुथिबा आशावादी तारका माने मध्य अछंती तेबे केउठी आशावादी तारका माने केउठी सफलतार तारका माने उभयंक भितरे महान अंतर रहिछि किंतु उभय तो तारका ही अटंती एवं प्रत्येक भिन्न भिन्न तारा मानंकर विश्वर आत्मा मानंक उपरे प्रकृति उपरे स्वतंत्र प्रभाव मध्य पड़ुछि। सफलतार तारका माने चारियाडे निजर उमंग उत्साहर प्रभाव पकाउछंती। आशावादी तारका माने निजे मध्य केते स्नेह केबे स्नेहरत केबे मेहनतर प्रभाव रे रहुथिबा कारणरु अन्य मानंक प्रति आग को बढ़िबार आशा रखी आग को बढ़ी चालिछंती। तेणु प्रत्येक निजे निज को पचार जे मु केउ भली तारका समस्तंक भितरे ज्ञान जोग गुणर धारणा एवं सेवार भावना तो अछि किंतु सबु किछि थिले मध्य कहा भितरे ज्ञानर चमक अधिक अछि तो कहा भितरे विशेष भावरे जोगर चमक रही आउ कहीं कहीं निजर गुण मुरातर चमक विशेष भाव आकर्षित करुछंती। भितरे चारोटी जाक धारणा थिले मध्य शतकड़ा हिसाब से अंतर रही भिन्न भिन्न प्रकार तारा माने चमकुथिबार देखा जाउछि। एहा एक विचित्र आत्मिक तारा मंडल जहाँ आत्मिक तारा मानंकर प्रभाव सारा विश्व उपरे पड़ुछि। तेणु विश्वर स्थूल तारा मानंक मध्य प्रभाव विश्व उपरे पड़ुछि। तुम्हें तारा माने निजे जेते जेते शक्तिशाली हेउछ सही अनुसारे विश्वर आत्मा मानंक उपरे तार प्रभाव पड़ुछि एवं आग को मध्य पड़ुथिबो। जेपरी अंधकार जेते अधिक हेबो सेते अधिक तारा मानंकर रिमझिम स्पष्ट भावरे देखाजिबो। सेपरी दुनिया रे जेते जेते अप्राप्ति रूपी अंधकार बढ़ी चलिबो सेते सेते तुम्हें आत्मिक तारा मानंकर विशेष प्रभाव अनुभव करिबाकु लागिबे। समस्तंकु धरापृष्ठ रे चमकुथिबा तारा माने ज्योति बिंदु रूपरे एवं प्रकाशमय कायाधारी फरिस्ता रूपरे देखाजिबे। जेपरी वर्तमान आकाशर तारा मानंक उपरे गवेषणा करिबारे सेमाने निजर समय शक्ति एवं मन धन को खर्च कर चालिछंती आत्मिक तारा मानंकु देखि आश्चर्य हेबाकु लागिबे। जेपरी वर्तमान आकाशरे तारा मानंकु देखुछंती सेहिपरी एही धरणी पृष्ठरे चारियाडे फरिस्ता मानंकर झलक एवं ज्योतिर्मय तारा मानंकर झलक को देखिबे एवं अनुभव करिबे एवं भाबिबे एमाने किए केउठारु एही धरापृष्ठ को आसी निजर चमत्कारी देखाउछंती। जेपरी स्थापनार आदि समय रे अनुभव करुथिले जे चारियाडे ब्रह्मा एवं श्रीकृष्णकर साक्षात्कार तरंग खेली जाइथिला ये किए एसबु कण देखा जाउछि एहाकु बुझिबा पई बहुत लोक एथि प्रति ध्यान देले। सेहिभळी वर्तमान अंतिम समय रे चारियाडे एही दुईटी रूप ज्योति एवं फरिस्ता सेथिरे बाप बाप दादांक सहित पिला मानंकर मध्य झलक देखिबाकु पाइबे एवं जणक ठारो अनेकंकर स्वतः भावरे एथि प्रति ध्यान आकर्षित हेबो। वर्तमान एही सब दृश्य तुम मानंकर संपन्नता पर्यंत अटकी रहिछि।
जेतेबेले तुमे माने निजर फरिस्ता स्वरूप को स्थिति को सहजरे एवं स्वतः भावरे अनुभव करिव सेतेबेले जाई साक्षात फरिस्ता माने साक्षात्कार रे देखा जिबे। एही वर्षटी फरिस्ता पणियार स्थिति रे पहुंचिबा पई विशेष भावरे दिया जाइछि। केही केही पिला भाबुचंती कण केवल जोकर अभ्यास करिवो ना सेवा मध्य करिवो बा सेवा को सेवारु निवृत्त होई तपस्यारे मग्न रहिबु। सेथिपई बाप दादा सेवार यथार्थ अर्थ बुझाउछंती। सेवा भाव अर्थात सर्वदा प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामनार भाव अर्थात भावना। सेवा भाव अर्थात प्रत्येक आत्मार भावना अनुसार ताकु फल देवा विनाशी भावना नुहे किंतु श्रेष्ठ भावना। तुम्हें आत्मिक सेवाधारी मानक प्रति जदि के आत्मिक स्नेह पाइबार भावना रखुचंती बा शक्तिर सहयोगर भावना रखुचंती बा खुशीर भावना रखुचंती बा शक्तिगुड़िक प्राप्ति करिबार भावना रखुचंती उमंग उत्साहर भावना रखुचंती एहिभळी भिन्न भिन्न भावनार फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराइबाकु ही सेवा भाव कहा जाए। केवल भाषण करदे बा कौनसी ग्रुप को ज्ञान बुझाई दे कोर्स कराई दे बा सेंटर खोली दे एहाकु सेवा भाव कहा जीव नाही। सेवा अर्थात कौनसी भी आत्मा को प्राप्तिर मेवा अर्थात शक्तिवर्धक फलर अनुभव कराइबा तेबे एहिभळी सेवा भितरे तपस्या अंतर्निहित। एबे तपस्यार अर्थ त शुणिल दृढ़ संकल्प द्वारा जेकोणसी कार्य करिबाकु ही तपस्या कहा जाए। जेउठारे यथार्थ सेवार भावना रहिछि सेठारे तपस्यार भाव अलगा नुहे। त्याग तपस्या सेवार मिलित रूप ही प्रकृत सेवा। सेथिपई नामधारी सेवार फल अल्प समय पई मिलिथाय। जेउठी सेवा करिल जेउठी अल्पकालर प्रभाव रूपी फल प्राप्त होइगला एवं तुरंत समाप्त होइगला तेबे अल्पकालर प्रभावर फल स्वरूप अल्पकालर महिमा मध्य होइथाय। बहुत भल भाषण करिल बहुत भल कोर्स कराइल बहुत भल सेवा करिल एहिभळी भल भल कहिबार करिबार अल्पकालर फल मिलिगला एवं सेवाधारी को मध्य महिमा शुणिबार अल्पकालर फल गुड़िक मिलिगला। किंतु अनुभूति कराइबा अर्थ बाबांक सहित संबंध जोड़ी देबा शक्तिशाली करि देबा एहा ही हेउछि प्रकृत सेवा। प्रकृत सेवारे जदि त्याग तपस्या नथिबो तेबे एहा 50-50% सेवा नुहे 25% सेवा। बरदान पांच तत्व एवं पांच विकार को निजर सेवाधारी करी मायाजित स्वराज्य अधिकारी हो। जेपरी सत्ययुगरे विश्व महाराजा एवं विश्व महाराणी राजकीय पोशाक को दास दासी माने पछरु टेकी धरी थांती सेबळी संगम युगरे तुम्हें पिला माने जेतेबेले मायाजिती स्वराज्य अधिकारी होई अनेक गुड़े उपाधि रूपी ड्रेस द्वारा सजबाज हो रहिब तेबे एही पांच तत्व एवं पांच विकार तुमर ड्रेस को पछपटु उठाई धरिबे अर्थात अधीन हो चलिबे। सेथिपई दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट द्वारा भिन्न भिन्न उपाधि रूपी ड्रेस को टाइट करी पिंधि थाओ। भिन्न भिन्न ड्रेस एवं श्रृंगार करिबार सामग्री द्वारा सुसज्जित हो बाबांक साथीरे रुह तेबे चाहि ए विकार गुड़िक बा पांच तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी होइछिबे। स्लोगान जेउं सबु गुण बा शक्ति गुड़िकर वर्णना करुछ सेगुड़िकर अनुभव रे हजि जाओ कारण अनुभव ही सबुठारु बड़ क्षमता। ओम शांति।